Good morning, students of 10th class. I am back with the new video of MCQ series of class 10th. Students, in this video, I will discuss MCQs of chapter number 13, surface areas and volumes. Students, all these questions are very important for all the state board exams. So please stay until the end of the video. Now, let's start with our first question. Match the following. अब देखो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको क्या है सॉलिड फिगर्स का क्या है वॉल्यूम पूछा गया है सो so, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपने वो सभी फॉर्मूलाज क्या हैं याद रखने हैं स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैंने क्या है फॉर्मूलाज सारे लिखे हुए हैं देखो सबसे पहले क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको सभी सॉलिड फिगर्स का क्या है वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का क्या है ये सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए क्योंकि इसके बिना एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा इस चैप्टर का राइट right? क्यूबॉइड का क्यूब का सिलेंडर का कोन का अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं सिर्फ समझाने लगी हूँ लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो टोटल सरफेस एरिया से ही बनता है आपने सिर्फ वॉल्यूम का और टोटल सरफेस एरिया का याद रखना है लेटरल सरफेस एरिया में देखो क्या करते हैं जो भी आपकी फिगर है उसका टॉप का और बॉटम का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल में से राइट right? जैसे देखो ये क्यूबॉइड ही है इसका देखो टॉप और बॉटम इसका लेंथ और इसकी ब्रेथ क्या होएगा एरिया एल इन टू बी टू टाइम्स एल इन टू बी हो जाएगा यानी कि टॉप का और बॉटम का यानी कि टू एल इन टू बी इस फॉर्मूले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा टू बी एच प्लस एच एल इसको हटा दिया देखो सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही आपने देखो याद रखने हैं इसमें से देखो बॉटम का जो है क्या होएगा एरिया ए इंटू ए क्योंकि देखो सारी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं ए इंटू ए ए स्केयर टॉप का और बॉटम का दोनों का यानी कि सिक्स ए स्केयर में से टू ए स्केयर माइनस करोगे फोर ए स्केयर बन जाएगा इसी तरह सिलेंडर का देखो टॉप का सर्कल है पाईआर स्केयर पाईआर स्केयर यानी कि टोटल सरफेस एरिया में से टू पाईआर स्केयर देखो सब्रैक्ट हो गया तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है सो so जस्ट आप इसका चार्ट बनाओगे ना जैसे तो आपको सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे सेम ऐसे देखो कौन का लेटरल कैसे बना है इसका बॉटम का सब्ट्रैक्ट करके बॉटम क्या है सर्कल है पाईआर स्केयर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट right? अब देखो सफेयर का फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब है अब सफियर का जब हम हाफ कर देते हैं तो हैमी बन जाता है सो so, इसका हाफ करोगे जब आप वन बाय टू 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 जा इसका हाफ करोगे तो इसके फार्मूलाज बन जाएंगे देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है इसका हाफ प्लस ये बॉटम का जो है बॉटम का एरिया क्या है वो इसमें एडअप हो जाता है सो छह फार्मूलाज और ये सेवंथ फार्मूला देखो मैंने लिखा है आप ये सारे फार्मूलाज को बेटा पेज पे लिख के इसको लर्न करोगे लास्ट है फॉर्मूला फ्रस्टम फ्रस्टम क्या होता है जब हम कोन को यहां से काट दें ना कोन को यहाँ से ऊपर से काट दें तो हमारे पास कुछ ऐसी सी फिगर बन जाती है देखो उसकी जो ऊपर वाली तीखा तीखा पार्ट है ना वो हमने काट दिया तो ये जो फिगर बनती है इसे बोलते हैं फ्रस्टम अब इसके दो रेडियस हो जाते हैं आर वन एंड आर टू सो ये फार्मूलाज आर वन आर टू इसके रेडियस हैं ठीक है सो so ये फार्मूलाज लर्न करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ सफियर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सफियर देखो स्टूडेंट्स कौन सा होगा इसमें से वॉल्यूम सफियर क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब देखो फर्स्ट को मैच कर देंगे इसके साथ नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है एल इंटू बी इंटू एच लेंथ इन टू इंटू हाइट थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है पाई आर स्केयर इन एच देखो इसको इसके साथ मैच कर देंगे फोर्थ पार्ट इज वॉल्यूम ऑफ कोन कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है वन बाई थ्री पाईआर स्केयर एच देखो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है सिलेंडर और इसके फॉर्मूले में इसमें पाईआर स्केयर एच है इसमें वन बाय थ्री पाईआर स्केयर एच होता है राइट सो नेक्स्ट लास्ट है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फ्रस्टम का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है वन बाय थ्री पाई एच दोनों रेडियस का स्केयर प्लस दोनों की प्रोडक्ट देखो, राइट right? सो so, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज टोटल सरफेस एरिया हमने लिखना है सबसे पहले क्यूबॉइड का क्या होता है टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ देखो ये ऐसे लर्न रखते हैं स्टूडेंट्स एल बी एच लेंथ ब्रेड हाइट सबसे पहले एल बी को मल्टीप्लाई कर देना है बी एच को फिर एच एल को टू टाइम्स लगा देना Next है ठीक है नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का देखो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला आता है टू पाई आर इन एच प्लस आर ये भी स्टूडेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप एक एक चीज इसका फॉर्मूला ही ध्यान से समझ के करो अगर आप चाहते हो मैं इसकी एक वीडियो बना दूं तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं राइट सो थर्ड देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हैमी का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है थ्री पाई आर स्केर राइट नेक्स्ट फोर्थ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कोन का लिखना है कोन का होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर राइट सो नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट देखें इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फ्रस्टम का देखो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर पाई एल एल होता है सॉरी आर आर नहीं आएगा यहाँ पे पाई इन एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्केयर प्लस पाई आर टू स्केर देखो ये फॉर्मूला होता है इसमें फर्स्ट टर्म में देखो क्या है इसका एरिया, पाई आर वन स्केयर सर्कल है नीचे वाले का एरिया और पूरी सरफेस का यानी कि ये वाली का सारा एडअप हो जाता है एल यहां पे क्या होती है एल इज अलैंट हाइट ये वाली हाइट को बोलते हैं स्लैंड हाइट राइट थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका इन द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ अब देखो ये फिगर किन दो फिगर्स की कम्बिनेशन में बनी हुई है अब देखो टॉप पे क्या है इसके बना हुआ है कोन ठीक है ये तो आपको पता लग रहा है सिलेंडर वाला तो ऑप्शन खत्म ही हो गया ठीक है कोन है अब नीचे देखो यहाँ पे क्या है देखो ये सर्कुलर पार्ट है कटोरी जैसे ठीक है देखो हैमी क्या होता है ये आपका सफ़ेर है सफ़ीयर क्या है थ्री डी फिगर है जब हम इसको यहाँ से कटआउट कर देते हैं तो जो आपकी ये फिगर होती है हाफ वाली इसको क्या बोलते हैं हेमी सफियर सो so, ये नीचे वाला पार्ट जो है इसका ये क्या है हेमी है सो so, इसका क्या ऑप्शन आएगा बी दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हैमी सफियर राइट फोर्थ पार्ट देखें इसका विच सॉलिड विल मेक कंबिनेशन ऑफ टू क्यूब्स विद एज एट सेंटीमीटर अब वो कह रहे हैं कि अगर हम दो क्यूब्स एट सेंटीमीटर के ज्वाइन कर दें कंबाइन कर दें तो इनमें से क्या है कौन सी फिगर बनेगी अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं देखो आप सभी स्टूडेंट्स ने देखो स्केयर और एक्टेंगल पड़े हुए हैं देखो ये है स्केयर स्केयर में क्या है चारों साइड्स बराबर होती हैं ये है आपका रिक्टेंगल ठीक है रिक्टेंगल में क्या है ये लेंथ है दिस इज योर ब्रेथ ये इक्वल होती हैं ऑपोजिट अब देखो ये थी आपकी टू डी फिगर्स यानी कि आपके पास क्या है? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ थी देखो लेंथ ब्रेथ ये लेंथ है ब्रेथ यहाँ पे साइड्स हैं ये लेंथ ब्रेथ जो कह लो आप ठीक है इक्वल होती हैं सारी बट अगर हम इसमें हाइट भी एडअप कर दें अब देखो इसमें मैंने हाइट भी एडअप कर दी यानी कि तो ये क्या बन जाएगा स्केयर का क्या बन जाता है क्यूब यानी कि मैंने हाइट भी एडअप कर दी इसमें इसकी हाइट भी है सो so, ये बन जाएगा देखो क्यूब क्यूब में भी क्या होती है सारी साइड्स क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं लाइन की इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें इक्वली होती हैं इसकी इसी तरह अगर हम रिक्टेंगल है रिक्टेंगल की हाइट ऐड करते हैं रिक्टेंगल में तो क्या बन जाएगा ये क्यूबॉयड बन जाता है देखो रिक्टेंगल जोड़ के ये आपका क्या था रिक्टेंगल इसमें मैंने क्या है हाइट भी ले ली अब सो ये बन जाएगा मेरा क्यूबॉयड ये चीज़ ध्यान से समझना आप ठीक है अब देखो मैंने क्या करना है दो क्यूब्स को जोड़ना है ठीक है इस तरह का एक क्यूब है एक क्यूब मैं जब और ले लूँगी देखो ये बराबर नहीं लग रहा ना तो ऐसा बना लो सो so, अगर मैं ऐसा क्यूब ले लूँगी दोनों को देखो मैं जब ज्वाइन करूंगी तो लेंथ देखो इसकी ये वाली चीज़ क्या है इंक्रीज़ नहीं हो जाएगी वो ब्रेथ और हाइट के इक्वल तो नहीं रहेगी लेंथ जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेंथ जो है क्या बन जाएगी बड़ी हो जाएगी सो so, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबॉयड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा देखो सो so, जब भी दो क्यूब्स को एज कर एड अप करेंगे कंबाइन करेंगे हम तो क्या बनेगा हम? हमारे पास क्यूबॉयड बनेगा ठीक है सो

अब देखो क्या क्या कह रहे हैं वो रेडियस इनका इक्वल है देखो ये रेडियस हो गया इसका इन दोनों का रेडियस क्या है इक्वल है आर ले लेंगे इसको एंड हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर और जो कोन की हाइट है ठीक है ये वाली इसकी हाइट है कोन की हाइट और जो सिलेंडर की हाइट है दैट इज सेंटर में से लेते हैं ये ये आपकी क्या है दोनों की एच इक्वल है ठीक है देन रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम यानी कि उनके वॉल्यूम की रेशो क्या होएगी थ्री रेशो वन होएगी ये चेक करना है अब हमने अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या है वॉल्यूम किसका लेना है कोन का वॉल्यूम कोन का किसके इक्वल होता है वन बाई थ्री पाई आर स्केयर एच यानी कि वन बाई थ्री पाई आर स्केयर एच उसकी रेशियो देखो किसके साथ लेनी है सिलेंडर का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्केयर एच अब देखो यहाँ पे अगर रेडियस इक्वल ना दिया हो फिर यहाँ पे आर वन आर टू लेंगे अब हाइट भी इक्वल दी है दोनों की एच एच सो यहाँ पे एच एच ही रहेगा ठीक है सो so ये कट जाएंगे देखो क्या आपका यहाँ पे क्या बनेगा कैंसल आउट हो जाएगा पाई भी कट गई देखो आर स्क्यर भी कट गया एच भी कट गया सो so कितना बनेगा देखो यहाँ पे ये यह? ऊपर वन बाय थ्री नीचे तो वन ही रह गया सो so, इसकी रेशियो क्या बन रही है वन रेशो थ्री बन रही है बट यहां पे क्या लिखी हुई है थ्री रेशो वन सो ये कौन सी होगी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट होगी देखो ठीक है काफी सिंपल क्वेश्चन था दोनों को वॉल्यूम का फॉर्मुला ही लगाना था यहां पे ठीक so, है सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफेयर एंड वॉल्यूम ऑफ द सफेयर अब देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको बट फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए ये अब रेशो किसकी निकालनी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफियर अब टोटल सरफेस एरिया सफेर का किसके इक्वल होता है पाई पाईआर स्केयर पाईआर स्केयर ओवर किसके साथ लेना है उसका वॉल्यूम ऑफ द दफियर रेशो लेनी है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सफियर का फॉर्मूला होता है फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब ठीक है अब देखो फिगर तो सेम ही है सफियर है सो रेडियस भी सेम ही होगा यहां पे अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे आर देखो दो हैं यहाँ पे दो आर कैंसिल हो जाएंगे एक आर रह जाएगा नीचे फोर के साथ फोर कैंसिल हो जाएगा ये आपका बन जाएगा वन ओवर आर स्केर कट गया एक आर बच जाएगा नीचे ओवर थ्री आर बाय थ्री बच जाएगा ना तो ये आप ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा थ्री रेशो आर सो so देखो आंसर इसका कौन सा है ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं द रेशियो बिटवीन सर्कम फ्रांस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल अब सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो अब देखो सर्कल का सर्कम फ्रांस सर्कम फ्रांस क्या होता है ये सारा पेरीमीटर जिसको बोलते हो वो किसके इक्वल होता है टू पाई आर उसकी रेशियो लेनी है किसके साथ डाया के साथ ये आपका रेडियस है और डाया क्या होता है ये पूरा ये डाया है अब रेशियो देखो पहले सर्कम फ्रांस की लेनी है सरकम फ्रांस किसके इक्वल होता है टू पाई आर ठीक है रेशियो लेनी है उसकी डायमीटर के साथ अब देखो डायमीटर किसके इक्वल होता है आर का डबल यानी कि ये आर है तो इधर वाली साइड भी आर है आर प्लस आर टू आर सो डायमीटर कितना हो जाएगा टू आर अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा टू टू कैंसिल आर आर कैंसिल ये क्या बन गया पाई ओवर वन सो इसका ऑप्शन क्या होगा पाई रेशो वन क्या होगी रेशो होगी इसकी राइट सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर क्यूब सिक्समीटर क्यूब विद्स सेंटीमीटर हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है अब देखो सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है हमें क्यूब अब देखो क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब ठीक है ए ए क्यूब होता है सो so, यहाँ पे ए क्यूब साइड का क्यूब कितना गिवन है 216 सो so, एक इसके इक्वल हो जाएगा स्केयर रूट ऑफ 216 हंड्रेड so, सो अब यहाँ पे देखो ये आपको स्टूडेंट्स याद होने चाहिए अगर याद नहीं है तो आप क्या है इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो देखो 216 की फैक्टराइजेशन अगर करोगे देखो क्या बनेगा ये टू वन ज़ा टू टू एट ज़ा सिक्सटीन टू फाइव ज़ा टेन टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर टू सेवन ज़ा फोटीन अब देखो टू से नहीं जाएगा थ्री थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री वन ज़ा थ्री देखो ये क्या है क्यूब रूट आएगा सॉरी यहाँ पे स्केयर लिख दी ना यहाँ पे थ्री लिखोगे क्यूब रूट सो ये आपके बन जाएंगे क्यूब रूट ऑफ दिस टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री देखो क्यूब रूट में क्या है थ्री का पेयर होता है ना so, सो टू बाहर आ जाएगा एक क्या आ जाएगा थ्री सो सिक्स आंसर है इसका सो so, पे भी देखो इन्होंने क्या लिखा है यही लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस अगर वॉल्यूम ये है तो उसका एज क्या है so, so, the सिक्स सेंटीमीटर है सो सिक्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सफियर्स आर इन द रेशो सिक्सटी फोर रेशियो ट्वेंटी सेवन देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज अब देखो दो वॉल दो सफियर्स हैं उनके वॉल्यूम की क्या है रेशियो गिवन है अब देखो सफियर्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे फोर बाय थ्री पाई आर वन क्यूब ओवर फोर बाय थ्री पाई आर टू क्यूब अब देखो रेडियस तो अलग अलग है कुछ गिवन नहीं ना रेडियस के बारे में दो सफियर हैं एक आर वन ले लिया एक आर टू यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है किसके इक्वल है सिक्सटी फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन अब देखो स्टूडेंट्स फोर बाय थ्री तो कट गया पाई भी कट गया यानी कि यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई आर वन ओवर आर टू का क्यूब होल क्यूब ले लिया मैंने सिक्सटी फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन यानी कि यहाँ से आर वन बाय आर टू की मैं वैल्यू निकाल लूँगी आर वन बाय आर टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर अपॉन्ट ट्वेंटी सेवन सो so, यहाँ पे भी देखो सेम आप जैसे मैंने फैक्टराइजेशन की ना वहाँ से जब आप निकालोगे 64 की फैक्टराइजेशन करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन देखो ट्वेंटी 27 को तो देखो हमने ऊपर भी लिखा है ट्वेंटी को कैसे लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इट मीन्स नीचे तो थ्री आ जाएगा ऊपर सिक्सटी फोर का क्या बनेगा आपका फोर बनेगा ठीक है so, सो ये आपका आर वन बाय आर टू आपका बन जाएगा फोर पॉन थ्री आर वन बाई आर टू निकाल लिया अब देखो फाइंड आउट क्या करना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज अब देखो एरियाज की रेशियो फाइंड आउट करनी है अब एरिया देखो नाउ एरियाज क्या होंगे उसके इक्वल टू फोर पाई आर वन स्केयर फोर पाई आर टू स्केयर क्योंकि रेशियो निकालनी है हमने तो फोर पाई फोर पाई कट जाएगा ये आपका बनेगा आर वन ओवर आर टू का होल स्क्वायर ठीक है ना आर वन ओवर आर टू हमने फाइंड आउट कर लिए फोर अपॉन थ्री होल स्केयर कितना बन गया है? ये फोर फोर जा सिक्सटीन अपॉन थ्री थ्री जा नाइन सो सिक्सटीन रेशियो नाइन इज योर आंसर सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इज अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कट इन टू क्यूब्स ऑफ साइड फाइव सेंटीमीटर देन हाउ मैनी क्यूब्स आर फॉर्मड अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है एक क्यूब है हमारे पास राइट उस क्यूब को क्या किया मैंने कट करके क्या किया क्यूब्स बना दिए यानी कि इस क्यूब को कट करके क्या है आपने क्या है छोटे क्यूब्स बना दिए बट कितने बनाए हैं वो हमें पता नहीं है वो सपोज कर लिया मैंने क्या है एक्स बनाए इसी क्यूब को काट काट के बनाए यानी कि ये सारे जो हैं इसी क्यूब में से निकले हैं ठीक है इसकी साइड थी टेन सेंटीमीटर और इनकी साइड क्या है फाइव सेंटीमीटर तो हमने पता क्या करना है कि कितने क्यूब्स बनेंगे ये अब देखो क्योंकि ये छोटे जो हैं बड़ों में से ही निकले हैं सो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होएगा इक्वल आएगा अब देखो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होएगा क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है क्यूब का साइड क्यूब यानी कि क्यूब इज इक्वल्स टू अब देखो एक का वॉल्यूम पे देख लेते हैं एक छोटे क्यूब का किसके इक्वल होएगा साइड क्यूब साइड यहां पे कितनी है फाइव सो so, आ जाएगा फाइव क्यूब इन टू यहां पे देखो एक का वॉल्यूम है बट ये सभी का वॉल्यूम चाहिए हमें बट हमें पता नहीं कितने है कितने हैं सपोज मैंने कर लिया एक्स है या एन ले सकते हो आप एक्स है तो जितना एक का वॉल्यूम है सारे क्या है इक्वल है सो so, एक का वॉल्यूम निकाल के उसको क्या करेंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे देखो ठीक है so, सो यहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी आपकी एक्स यहाँ पे आपका कितना निकलेगा टेन इंटू टेन इंटू टेन ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव सो ये बन जाएगा आपका फाइव टू जन फाइव टू जेन फाइव टू जेन सो so, कितना बन गया टू टू ज फोर फोर टू जा एट सो आपका आंसर क्या आ गया एट सो so, इस तरह के क्या है एट क्यूब्स निकलेंगे सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं द रिडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ बकेट ऑफ हाइट फोर्टी सेंटीमीटर आर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर द स्लैंड हाइट ऑफ द बकेट इज अब देखो बकेट है बकेट देखो किसकी एग्जाम्पल होगी स्टूडेंट्स ये मेरी बकेट है देखो फ्रस्टम की एग्जाम्पल होती है बकेट यानी कि दो रेडियस हैं अपर रेडियस और ये नीचे वाला रेडियस ये गिवन है दोनों देखो 24 एंड 15 और बकेट की जो है हमें हाइट भी गिवन है देखो हाइट ऑफ द बकेट इज गिवन हमने क्या फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट यानी कि ये हाइट सॉरी ये वाली एच होएगी स्लैंट हाइट मीन्स ये टेडीए वाली हाइट इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट ये जो है आपकी ये है एच ठीक है यानी कि ये बिल्कुल जो सीधी वाली होती है वो एच है ये जो है आपकी वो क्या होगी स्लैंट हाइट अब देखो स्टूडेंट स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमें रेडियस गिवन है आर वन ट्वेंटी फोर आर टू गिवन है फिफ्टीन एंड एच गिवन है हाइट गिवन है फोर्टी सेंटीमीटर एल फाइंड आउट करना है एल का देखो फार्मूला होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आर वन माइनस आर टू होल स्केयर प्लस एच स्केयर यहां पे वैल्यू पुट डाउन करनी है सिंपली हमने देखो ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन वैल्यू पुट डाउन कर दी होल स्केयर प्लस एच स्केयर एच स्केयर कितना है फोर्टी स्केयर ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन एज नाइन नाइन स्केयर प्लस फोर्टी स्केयर नाइन नाइन ज़ा एट्टी वन प्लस फोर फोर ज़ा सिक्सटीन पीछे दो जीरोज़ आ जाएंगी सो so, ये आपका बनेगा वन सिक्स एट वन सो इसका जब स्टूडेंट्स आप आंसर निकालोगे स्केयर रूट फाइंड आउट करोगे तो वह आपका आएगा फोर्टी वन सो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन राइट सो नेक्स्ट कम टू द ट्वेल्थ क्वेश्चन अव्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हैमी सफियर द ग्रेटेस्ट डायामी ऑफ द हेमी सफियर इज अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है एक क्यूबिकल ब्लॉक है क्यूबिकल ब्लॉक है आप देखो क्या कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर देखो क्या है हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमी सफ़ेयर यानी कि इसके ऊपर क्या है हमने क्या है हेमी सफ़ेयर रखा है ये सरमाउंटेड बाय अमी सफ़ेयर इसके ऊपर अब देखो क्या कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमी सफ़ेयर हैमी सफ़ेयर जो है ये वाला इसका डायमीटर देखो क्या होएगा अब देखो डायमीटर इस हेमी का क्या होएगा इसका डायमीटर देखो किसके इक्वल होएगा जितनी क्यूब की क्या है साइड है उसके इक्वल ही हो होएगा ठीक है ना सो so, देखो ना ये होता है आपका हमी सफियर सो so, ये क्या है इसके ऊपर सरमाउंटेड है जब देखो ये इसके ऊपर रखेंगे तो ये चीज जो है इसकी किसके इक्वल होएगी जितनी क्या है उसकी साइड है क्यूब की सो so, यहां पे आंसर क्या बनेगा इसका टेन सेंटीमीटर नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज एरियाज़ ऑफ सर्कुलर बेसिस ऑफ ए फ्रस्टम ऑबटेड फ्रॉम ए कोन आर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखो सर्कुलर बेसिस हैं कोन के दोनों, क्या, दोनों का क्या गिवन है हमें एरिया गिवन है देखो ये मैंने फ्रस्टम ड्रॉ कर ली अब यहाँ पे इस सर्कुलर पार्ट का और इस सर्कुलर पार्ट का एरिया गिवन है देखो ऊपर वाले का फोर सेंटीमीटर स्केयर और नीचे वाले का सिक्सटीन सेंटीमीटर स्केयर गिवन है इफ दी हाइट ऑफ फ्रस्टम इज अब देखो इसकी हाइट भी हमें गिवन है हाइट इसकी कितनी है फिफ्टीन सेंटीमीटर सॉरी यहां पर स्केयर नहीं आएगा इफ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 15 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज हमने क्या है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अब स्टूडेंट्स देखो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला देखो हमने किया है ये वाला देखो ठीक है सो अब यहाँ पे देखो एरिया है अगर मैं देखो यहां पे मैं फॉर्मूला जो लिखने लगी हूँ वो बताने लगी हूँ मैंने क्या किया ये पाई को मैं अंदर ले जाऊंगी अब ये जो अंदर चल जाएगा पाई आर वन स्केयर पाई आर टू स्केयर पाई आर वन इन आर टू पाई आर क्या होता है सर्कल का एरिया ठीक है अब यहां पे देखो मैं फॉर्मूला इस फॉर्म में लगाने लगी हूं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वन बाय थ्री एच इन एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्ट ए टू इज एरिया ऑफ सेकेंड सर्कुलर पार्ट एंड स्केयर रूट ऑफ बोथ सो अब देखो हमें क्या गिवन है एरिया ऑफ फर्स्ट एरिया पहले का हमें देखो कितना गिवन है फोर सेंटीमीटर स्केयर एरिया ऑफ फर्स्ट इज फोर सेंटीमीटर स्केयर एंड ए टू इज गिवन सिक्सटीन सेंटीमीटर स्केयर ठीक है एरिया गिवन है अब देखो क्योंकि डायरेक्टली हमें रेडियस नहीं गिवन ये चीज याद रखना हम आर वन स्केयर आर टू स्केयर डायरेक्टली नहीं लगाएंगे यहाँ पे राइट right? सो so, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा वन बाई थ्री इन टू एच हाइट कितनी है फिफ्टीन ए वन ए वन एरिया फर्स्ट का गिवन है एरिया टू सिक्सटीन प्लस अंडर रूट ऑफ बोथ यानी कि फोर इंटू सिक्सटीन ठीक है सो so, यहाँ पे ये यह कट जाएगा थ्री फाइव ज फिफ्टीन फाइव फोर प्लस सिक्सटीन प्लस यहाँ पे कितना बनेगा सिक्सटीन इंटू फोर है सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का स्केयर रूट क्या होएगा एट सो एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन ये आपका बन जाएगा ट्वेंटी एट सो ये आपका बन गया टू जिक्स ये बन गया वन फोर्टी ठीक है वन फोर्टी सेंटीमीटर क्यूब सो so, यहाँ पे आंसर कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा सी ऑप्शन बन रहा है देखो राइट सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन सो दिस वॉज ऑल अबाउट एमसी क्यूज ऑफ चैप्टर नंबर थर्टीन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो